मूवी की अगर बात किया जाए तो पुष्पा टू मूवी का एक शेड्यूल और कॉम्प्लिकेटेड टफ पोजीशंस जरूर है, लेकिन पुष्पा टू मूवी हमारे हिसाब से जिस हिसाब से इसके ट्रेलर्स हमारे सामने डाले जा रहे हैं यार, ऐसा लगता नहीं पुष्पा टू कुछ बड़े धमाके करते हुए नजर आ सकती है। पुष्पा टू एक फ्यूचर हो सकता है, कल्पना हो सकती है, लेकिन एक बेस्ट मूवी नहीं हो सकती है, क्योंकि पुष्पा वन जिस हिसाब से अपना अमाउंट्स कमाया था और पुष्पा टू मूवी जिस हिसाब से अपने ट्रेलर और टीजर पेश कर रही है उस हिसाब से नहीं लगता पुष्पा वन की टक्कर की मूवी हो सकती है। मूवी को वायरल करने के लिए या फिर मूवी को परफेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही डायलॉग काफी होता है जो कि हमें पुष्पा वन में देखने को मिली थी, झुकेगा नहीं साला, सिर्फ एक डायलॉग पूरी मूवी को हिट बना दिया और मूवी को यार झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग ही कंपलसरी नहीं था लेकिन मूवी में भी पूरी जान था, ये चीज जरूर कहेंगे। लेकिन पुष्पा टू में जैसे कि माँ भवानी के रोल में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना का अलग एक रोल, और पूरी तरह से पुलिस पीछे पड़ी अल्लू अर्जुन के, और टाइगर भी साथ में, और टाइगर जहां माँ भवानी होती वहां टाइगर तो होगा ही, ये चीज तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये एक अलग चीज है, बहुत ही अलग कोशिश है, सोचने वाली बात है, लेकिन ये एक बेहतरीन रीजन नहीं हो सकता है मैच का, इसका मूवी का, तो ये मूवी हमें नहीं लगता पुष्पा टू मूवी इतने बड़े पल्स में इतना बढ़िया अपना अमाउंट्स को कमाने में सक्षम हो सकती है। माना कि जो पुष्पा कमाई थी उससे आधा तो कमाने में सक्षम होगी, यानी कि एक वैल्यू मार्केट बना हुआ है, तो वैल्यू मार्केट के हिसाब से ये शुरू में इसके उछाल अच्छे से अच्छे देखने को मिल सकता है, और इस चीज को हम टफ नहीं कह सकते, बिल्कुल क्लियरली नहीं कह सकते कि मूवी भाई इतने उछाल में चली जाए, क्योंकि बीच में ऐसे ऐसे सीने हो हमारे सामने जो कि हमें एक बहुत ही फंडे से अच्छे लगे। पहला ट्रेलर हमारे साथ, सॉरी जब टीजर आया था ट्रेलर, तो उसमें हमने काफी इंजॉय किया था और उससे लगा था कि नहीं मूवी अच्छा करेगी, लेकिन बाद को जो ट्रेलर टीजर आए वो हमारे हिसाब से कुछ ज्यादा बड़े करने की संभावना नहीं रखे। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं पुष्पा 2 के बारे में जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं अगले।